इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष कोई नया नहीं है। इनके संघर्ष की कहानी दशकों पुरानी है। वेस्ट बैंक और गाजा का इलाका हमेशा से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच खूनी जंग का कारण रहा है। वेस्ट बैंक और गाजा को फिलिस्तीनी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसी गाजा को लेकर इजराइल और फिलिस्तीन में ठनी रहती है। इजराइल पर हमास का हमला और फिर इजराइल का जोरदार पलटवार, मतलब साफ है एक बार फिर खाड़ी देशों में युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल 7 अक्टूबर को इजराइल पर अचानक से आतंकी संगठन हमास के लड़ाकों ने हमला बोल दिया। जल, थल और वायु मार्ग से इजराइल की सीमा में घुसकर हमास के लड़ाकों ने कत्लेआम मचा दिया। दुनिया की सबसे उम्दा खुफिया एजेंसी में शामिल मोसाद को भी कानो कान इस हमले की खबर नहीं लगी, और जब इस हमले का किसी को भान होता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इजराइल की सड़कें अपने ही लोगों के खून से लाल हो चुकी थी। हालांकि इसके बाद इजराइल ने इस हमले के जवाब में हमास के ठिकानों पर भीषण कार्रवाई की। बड़े बड़े इमारत इजरायली बम और रॉकेट से ताश के पत्तों की तरह ढहने लगे। आतंकी संगठन हमास ने इजराइल की धरती पर 5,000 से अधिक रॉकेट से हमला किया है। इतनी अधिक संख्या में रॉकेट के आगे इजराइल का रक्षा कवच आयरन डोम भी बेअसर रहा। बीते 50 सालों में पहली बार इजराइल की जमीन पर इतना भीषण तबाही मची है। इस हमले के बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ पूर्ण युद्ध की घोषणा कर दी है। अब आतंकियों और इजरायली सेना के बीच जोरदार युद्ध छिड़ चुका है। इजराइल के लड़ाकू विमान और रॉकेट ने गाजा पट्टी को धुआं धुआं कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि इस बार इजराइल आतंकियों को जड़ से खत्म कर देगा। इस संघर्ष में एक तरफ है इजराइल की सेना तो दूसरी तरफ आतंकी संगठन हमास खड़ा है, जिसे ईरान समेत आतंकी संगठन हिजबुल्ला का भी समर्थन मिल रहा है। वहीं इस लड़ाई ने दुनिया के देश में भी अलग अलग गुटों में बांट दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये संग्राम छिड़ा क्यों है। इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष कोई नया नहीं है। इनके संघर्ष की कहानी दशकों पुरानी है। वेस्ट बैंक और गाजा का इलाका हमेशा से ही दोनों इजराइल और फिलिस्तीन के बीच खूनी जंग का मुख्य कारण रहा है, जैसे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का इलाका। वेस्ट बैंक और गाजा को फिलिस्तीनी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसी गाजा को लेकर इजराइल और फिलिस्तीन में ठनी रहती है। अब हम जानते हैं कि आखिर इसका इतिहास क्या है। दरअसल 1948 से पहले इजराइल नाम का कोई भी भूभाग नहीं था, यानी कि कोई भी देश नहीं था। ब्रिटेन ने अरब देशों को दो भागों में बांट दिया। अभी जहाँ इजराइल देश बना है, पहले वो फिलिस्तीन था। पूरा इलाका इस्लाम धर्म से प्रभावित था, लेकिन ब्रिटिश समेत दुनिया की अन्य ताकतों ने फिलिस्तीन को तीन भागों में बांट दिया। विश्व के इतिहास में यह पहला मौका था जब यहूदियों के लिए एक स्थायी ठिकाना बनाया गया था। इजराइल नाम से उनके लिए एक देश बनाया गया। इसके पहले यहूदियों का अपना कोई देश नहीं था। जिस दौर में फिलिस्तीन को तीन भागों में बांटा जा रहा था, उस समय फिलिस्तीन की कुल जमीन को तीन हिस्सों में किया गया। पहला हिस्सा यानी कि कुल जमीन का 44% इजराइल को दिया गया, 48% फिलिस्तीनियों के हिस्से गया और बाकी का 8% हिस्से को यूएन ने अपने कब्जे में रखा। इस पर न तो इजराइल का हक था और न ही फिलिस्तीन का। यहीं से सारा विवाद शुरू हुआ। अब सवाल है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हमास कौन है। दरअसल हमास एक फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन है जो गाजा पट्टी के कुछ क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखता है। हमास गाजा को पूरी तरह इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। 25 साल तक अपने कब्जे में रखने के बाद इजराइल ने गाजा पर 2007 में अपना कब्जा छोड़ा और राज की जिम्मेदारी फिलिस्तीन को दे दी। हमास फिलिस्तीन का एक शक्तिशाली संगठन है जो अपने पास फौज रखता है और इसका सत्ता पर भी कब्जा है। साल 2007 से गाजा पर हमास का ही शासन चल रहा है। इस दौरान हमास ने इजराइल के साथ कई संघर्ष किए। इस युद्ध के बीच इजराइल ने भी हमास पर कई जवाबी हमले किए। वहीं कट्टरपंथ के चलते इजराइल, अमेरिका, यूरोपीय संघ समेत कई और देशों ने हमास को एक आतंकवादी समूह घोषित कर दिया। अब बात आती है कि गाजा पट्टी क्या है। इजराइल और हमास के बीच जंग का एक बड़ा कारण है गाजा पट्टी।
गाजा पट्टी इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा एक क्षेत्र है, जिसके एक तरफ मिस्र है तो दूसरी तरफ इजराइल और तीसरे साइड से यह भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। ये दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में से एक है। अब बात आती है कि आखिर गाजा को लेकर जंग क्यों छिड़ी रहती है। दरअसल वेस्ट बैंक और गाजा का क्षेत्र हमेशा से ही इजराइल के लिए संघर्ष का मुख्य कारण रहा है। दरअसल वेस्ट बैंक और गाजा को फिलिस्तीन के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। कई बार इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष हो चुके हैं और हर बार लड़ाई के बाद इजराइल ज्यादा ताकतवर और फिलिस्तीन के भूभाग पर कब्जा कर लेता है। हालांकि यह है कि फिलिस्तीन 48% से घटकर महज 12% तक में सिमट चुका है और वो लगातार पहले जैसे वितरण की मांग कर रहा है। गाजा पट्टी के इजराइल और फिलिस्तीन, खासकर हमास के बीच अक्सर युद्ध छिड़ा रहता है।